सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। विद्यालय आए हैं ज्ञापन सौंप का, क्या मामला? हमारा ये मामला था कि ये सत्र 2020-21-22 की जो स्टेशनरी है अभी तक नहीं मिली है, जो प्रतिवर्ष मिलती है लेकिन शासन की तरफ से उसका वितरण अभी तक नहीं किया जाता। इन मांगों को लेकर हमारा कॉलेज स्तर पर प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया है। दूसरा ये है कि MA, MSc, MSW 4th SEM के जो स्टूडेंट हैं उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप अपना एडमिशन फीस का ड्यूटी किस्त जमा करें, उसके बाद आपका छात्रवृत्ति आवास भत्ता भरा जाएगा, लेकिन शासन की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो ये भी हमारी मांग थी कि जो आर्थिक समस्या के कारण जो विद्यार्थी अपना एडमिशन फीस नहीं भरा पा रहा है उनको समय दिया जाए और उनका छात्रवृत्ति आवास भत्ता का फॉर्म जल्दी अप्रूव करके ऑनलाइन भरा जाए। तीसरा ये था कि महाविद्यालय में जिनका भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का छात्रवृत्ति आवास भत्ता का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है लेकिन ऑनलाइन होने के बाद उनको सत्यापन करवाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, तो हमारी ये मांग थी कि कक्षा अनुसार टीचरों की लिस्ट बनाकर नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाया जाए ताकि विद्यार्थियों को इधर उधर भटकना ना पड़े। प्राचार्य ने आपको क्या आश्वासन दिया? प्राचार्य ने हमको यह आश्वासन दिया है कि आपकी समस्याओं का निराकरण शीघ्र ही किया जाएगा। और अगर निराकरण नहीं होता तो आप क्या करेंगे आगे? अगर इन समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो आदिवासी छात्र संगठन कॉलेज स्तर पर उग्र आंदोलन करेगा और कॉलेज बंद करेगा।